सुना ना तूने जो गोपिया क्या कह रही थी कि नीलमणि का दाऊ कितना बलशाली है। इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि नीलमणि अपने दाऊ जितना बलशाली ना है। अब समझा मैया कि आज मुझसे इतना व्यायाम क्यों करवाया जा रहा है। पर मुझे पता है मेरा नीलमणि सबसे अधिक बलशाली है। उज्जवल ने कही थी ना नीलमणि ने यूं उड़ा दिया था काले कौवे को मथुरा की ओर। और उज्जवल ने तो ये भी कही थी कि नीलमणि ने अपने पांव से सकट पे प्रहार भी किया था। कैसे किया था प्रहार? ऐसे किया था। लग गई मैया को। कैसे किया था? फिर से बता कैसे किया था। मेरे लल्ला में कितना बल है, मैया को ही धकेल दियो पीछे। अच्छा ही है कि आप उज्जवल के कहे को गंभीरता से नहीं ले रही, नहीं तो आपका ये रूप मैं कैसे देख पाता मैया। फिर से बता कैसे मारा था। लल्ला तू बड़े के जैसे कब से हंसने लगो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप के मैया और लल्ला को खेलते हुए देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य ना है आपके पास? कार्य तो है पर यह अधिकार भी है कि मैं अपनी बड़ी सी पत्नी को अपने छोटे से लल्ला के साथ छोटे बालकों की तरह व्यवहार करते हुए देखूं। हाँ? अब देख लियो ना, अब जाओ अपना कार्य करो। कार्य तो कर लूंगा परंतु मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि इसे भूख लगी। भूख लग गई? भोजन का समय हो गया? अभी लगाती हूँ भोजन। क्या हुआ लल्ला, इतना उतावला क्यों हो रहे तू? तुझे भी भूख लगी आई है क्या? सच्ची में भूख लगी आई है कि मंद मंद मुस्कुरा के मैया को बांधना चाहता है? तनिक रुक जा, तेरे बाबा को भोजन परोस के यूं गई और यूं आई। मेरा अच्छा लल्ला। आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। अब उससे भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल गई। यशोदा, दाल, दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई, सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लड्डू नहीं चावल। क्या रहे हो जी?
आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची है सुधा, बिल्कुल ना बदली तू। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहता। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर तो दूध पिला दो ना उसको। चाहूं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पति देव। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं किंतु वो भूखो है। चाहो ठीक। यहां थी तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थी, वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी।